साई मेरा बेटा है और वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता है। अगर कोई और संत महात्मा आकर आपसे ये कहे कि साई गुनेगार है, उन्हें जेल भेज दो, तो आप क्या करेंगी? भाईजा आपका, भाई को तो मैं भी बहुत मानने लगी हूं, लेकिन भक्ति से बढ़कर होती है ममता। आप ही बताइए, आज हमारे बेटे नवीन को ऐसे देखकर हम कैसे भला निश्चिंत रह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, आप सब न्याय की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जिनकी वजह से आज नवीन पर ये बीत रही है, जिस इंसान ने मेरे बेटे पे चोरी का झूठा इल्जाम लगा के उसे जेल भेज दिया, वो जश्न मना रहा है, सुखी है, खुश है। शिवशंकर के यहाँ उसकी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही है और यहाँ मेरा बेटा। वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ऊंची पहुंच है उनकी, और बड़े लोगों के आगे तो कानून भी नीचा झुक जाता है। जहां सत्य है वहां साई है, जहां साई है वहां न्याय है। अगर आपका बेटा सच में निर्दोष है तो उसके साथ भी अन्याय नहीं होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसे बोल कैसे सकती हैं। आप जानती हैं, निर्दोष होने के बाद भी नवीन ने गुनाह कबूल किया है और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए शिवशंकर को यहाँ आना होगा और बोलना होगा कि नवीन बेगुनाह है। आपको क्या लगता है ऐसा होगा? बोलिए। और वो साहूकार यहां चल के आएगा मेरे बेटे को बचाने? कभी नहीं। मैं लिख के दे सकता हूं, असंभव। जहां संभावनाओं की सीमा समाप्त हो जाती है, वहीं से साई के चमत्कार की सीमा शुरू होती है। आप दोनों विश्वास रखिए, लीजिए कुछ खा लीजिए। नहीं, मैंने प्रण लिया है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। साईं कह रहे हैं सब कुछ ठीक होगा ना, तो दिखाएं करके। आखिर सब कुछ साईं के कारण ही खराब हुआ है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बेटे को मेरे साईं की वजह से तकलीफ पहुंची है, तो मैं साई से बात करूंगी। आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। प्रणाम काका। खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम काकी। खुश रहो बेटा। अब हम लोग को आई बाबा कहना सीख लो। दामाद भी तो बेटा ही होता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। हमारे गुरु साई बाबा भी यही सिखाते हैं कि शादी के बाद लड़की अपने आई बाबा का घर तो छोड़ती है, लेकिन उनसे रिश्ता नहीं तोड़ती। जैसे एक लड़की का धर्म होता है कि वो लड़के के परिवार को अपनाए, उनका ख्याल रखे, वैसे ही एक लड़के का भी यही धर्म होता है। बहुत सुंदर विचार है आपके गुरु के। आइए आइए। वैनी, कैसी तबीयत है अब? क्या बताऊं, बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक महीना हो गया, सीढ़ी से गिर गई और पैर में चोट आ गई। मैंने मन्नत मांगी थी, मैं ठीक हो जाऊं तो नरेश और रज्जू की शादी शिरडी में कराऊंगी, पर अब ये संभव नहीं लग रहा है। खुद से चलना तो दूर, अब किसी का सहारा लेकर चलना भी मुश्किल हो गया है, और फिर ये दर्द। आई, अब चिंता क्यों कर रही हैं? अगर साई ने चाहा तो शादी से पहले ही आप ठीक हो जाएंगी।
तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी होगी, शादी शिरडी में ही होगी, देख लेना तुम। शादी में तो कुछ ही दिन बाकी है, मेरे पैर तक नहीं हिल रहे, तो फिर कैसे ठीक हो पाऊंगी। पर कोई बात नहीं, साई का नाम लेकर हम यही शादी करेंगे। शादी आप जहां से चाहेंगी वहां से करा लेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि शादी जल्दी हो। आप अकेले नहीं है इसमें, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द रज्जो बेटी हमारे घर आ जाए। पंडित जी, वो पंचांग में देखिए कि शुभ दिन कब का निकल रहा है। जी कन्या की जन्म पत्रिका लाइए। रुकिए पंडित जी, हम शिरडी नहीं जा सकते तो क्या हुआ, इतनी शुभ घड़ी है, पहले एक बार यहीं पे साई की पूजा कर लेते हैं, फिर हम साई के सामने तिथि निकालेंगे, देखना बहुत अच्छी तिथि निकलेगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो संध्या, आइए भाई साहब। हाँ साई का नाम तो पहले भी सुने थे, लेकिन ये लोग इतने बड़े भक्त होंगे साई के, ये नहीं पता था। आइए शिवशंकर जी, द्वारका माई में आपका स्वागत है। सदा सुखी रहो, सदा तुम्हारे मन की हो। राम जी भला करे। आप मुझे जानते हैं, और आपके यहां आने का कारण भी। साईं, हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके आशीर्वाद से यहां हमारी बिटिया की शादी होगी। और चमत्कार की बात यह है कि शिरडी के पावन धरती पर कदम रखते ही मेरी बेटी के चेहरे पर खुशी आ गई। लेकिन यहां आने से पहले ये दुखी क्यों थी, इसका कारण जानने की कोशिश की थी आपने? साईं, शादी के पहले तो हर लड़की उदास हो जाती है ना, और घर छोड़ के जाने की उदासी तो होती ही होती है। और मुझे तो आपको एक और बात के लिए धन्यवाद बोलना है, आपने मेरी बड़ी मदद की है, आप नहीं जानते। मैंने तो वही किया जिसमें सबका भला था। अभी आप लड़की की शादी के बारे में सोचिए, दीक्षितवाड़ा में रहकर तैयारियां कीजिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। जो आज्ञा साई। 3 दिन में लड़के वाले भी यहां आ जाएंगे, शादी के बहुत सारे इंतजाम करने हैं। अगर किसी मदद की जरूरत पड़े तो संकोच मत कीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद साईं। बेटी, दीक्षितवाड़ा जाते हुए रास्ते में मारुति मंदिर पड़ेगा, वहां दर्शन करते हुए जरूर जाएंगे। एक तरफ तो साई कहते हैं कि मेरे मन का होगा, और दूसरी तरफ वो मेरी शादी की बात कर रहे हैं, फिर मुझे उम्मीद क्यों दी इन्होंने? चलते हैं साई, अपने भक्त को आशीर्वाद दीजिए और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई।
तेरी कृपा और आशीर्वाद तो हमेशा मेरे भक्तों के साथ है, लेकिन तुम्हें अपने पुराने कर्मों का कर्ज भी तो चुकाना है। जो ये क्या कर रही हो? कौन देख लेगा? हमने तय किया था ना कि हम घर पर बात नहीं करेंगे। किसी ने देख लिया तो? शांत हो जाओ, घर पे कोई नहीं है। और मैं तो तुम्हें ये देने आई थी। ये हमारे प्यार की निशानी है, इसे हमेशा अपने साथ रखना। दीक्षित वाड़ा जाते हुए रास्ते में मारुति मंदिर पड़ेगा, वहां दर्शन करते हुए जरूर जाना। साई का मुझे यहाँ भेजना, नवीन की निशानी मुझे मिलना, साई का आशीर्वाद कि मैं खुश रहूं और सब मेरे मन का हो। इसका मतलब ये संकेत है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी उम्मीद है। रजो आजा बेटा, दर्शन कर ले। जी बाबा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.